मैं लुट गया, हाय मैं लुट गया। मैंने इस लड़की से शादी की थी, सिमरन कौर नाम है इसका, इसने मुझे धोखा दिया है जी। इसकी 10-12 शादी पहले हो चुकी है। मेरे को बिल्कुल इंसाफ चाहिए बस, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए जी। सिमरन नाम दी शातिर औरत जिसने 12 नौजवानों दे नाल ब्याह करवाया ते उन्हां दी जिंदगी बर्बाद कर दी। अते सिमरन दी लिस्ट दे विच मुकेश नाम दा नौजवान भी शामिल है जिस दी जिंदगी सिमरन ने बर्बाद कर दी है ते हुण ओह हाय दुहाई मचाउंदा ते इंसाफ दी गुहार लगाउंदा नजर आया है। मामला पटियाला तो सामने आया जिथे सिमरन नाम दी लड़की ने 12 ब्याह करवाए अते नौजवानां नूं अपनी ठगी दा शिकार बनाया। इस लड़की ते पहला भी कई मामले दर्ज ने पर ओह जेल तो बाहर आके नौजवानां नूं अपनी ठगी दा शिकार बनांदी है। मुकेश नाम दा व्यक्ति जो हिसार दा रहण वाला उसदे मुताबिक सिमरन ने उसदे नाल ब्याह करन तो बाद 4-5 लाख दी ठगी मारी अते फरार हो गई, जिस तो बाद मुकेश ने सिमरन दे खिलाफ पटियाला दे लोहारी थाना डिवीजन नंबर 4 दे विच मामला दर्ज करवाया, पर पुलिस इस मामले दे विच उन्हां दी सुनवाई नहीं कर रही जिस कारण मुकेश मानसिक तौर ते भी परेशान नजर आ रहा है ते इंसाफ दी गुहार लगाउंदा लगाउंदा बेहोश हो गया। अते मुकेश हुण सिमरन दे खिलाफ अते जिसने उसदा ब्याह करवाया सी अपने विचोले दे खिलाफ कानूनी कार्रवाई दी मांग कर रहा है। सर मेरे साथ धोखा होया जी बहुत बड़ा। क्या धोखा हुआ? सर मेरे साथ शादी की थी एक सिमरन नाम की लड़की ने, सिमरन धोखेबाज ने, मेरे को लूट के चली गई वो। कब हुई थी शादी आपकी? मेरी 1/14/22 में जी। ठीक है, तो क्या धोखाधड़ी क्या थी उसने? वो जी धोखेबाज लड़की थी, उसने 7-8 शादियां पहले करवा रखी थी, फिर मेरे से शादी करवा ली, मेरे बाद भी उसने 3-4 शादी और करवा ली जी। उसका काम था जी, एक गिरोह है वो, शादी करता है, 5-4 दिन रुकते हैं, बांदा मारते हैं, चल जाते हैं जी। तो अभी आपने कानूनी कार्रवाई नहीं करवाई इसके खिलाफ? सर मैं 2.5 साल से मैं बहुत परेशान हूँ, मैं जगह जगह धक्के खा खा के परेशान हो रहा हूँ जी। आप कहाँ से हो बेसिकली? मैं गांव अग्रवा हिसार से हूँ सर। ठीक है, तो कितने पैसों की ठगी लग चुकी है आपके साथ? सर मेरे साथ 5-6 लाख रुपए की ठगी लग चुकी है जी। अच्छा, हाँ जी, 5-6 लाख की ठगी लग चुकी है। हाँ जी, ठीक है। तो अभी आपका मामला कहाँ दर्ज करवाया आपने? मैंने पटियाला करवाया जी, 4 नंबर चौकी में। ठीक है, तो वहाँ के जो चौकी इंचार्ज हैं, जो SHO हैं, उनसे आपसे बात की तो क्या बोल रहे हैं अभी? वो कह रहे हैं जी होएगा होएगा, नहीं होएगा, बोला आपकी शादी यहाँ नहीं हुई, भीषण नगर में हुई है। अब वो वहाँ से किराए पे खाली करके चले गए, वो खाली करके चले गए तो सर मेरी क्या गलती है? वो किराए पे रहते थे, वो खाली करके चले गए, बोले आप हमें एड्रेस दो, ये काम मैंने ही करना है, तो फिर पुलिस क्या करेगी जी? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। वो कह रहे हैं जी आप उसका पता बताओ, हम कहाँ से बताएं? ये तो काम पुलिस का है ना, नंबर है, हमने दे दिया नंबर, भी उनके चालू हैं, सब कुछ है जी, फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पहले भी इसके ऊपर मामले दर्ज हैं? हाँ जी, इस लड़की के ऊपर 2 मामले दर्ज हैं जी पहले भी। ठीक है, हाँ जी। तो अभी आप परेशान हैं? पूरा बहुत परेशान हूँ जी मैं, बेहोश भी हो गए थे। हाँ जी, तो क्या मांग करते हो आप? मैं ये चाहता हूँ जी मेरे को इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए, हाँ जी। और क्या कहना चाहते हैं? जैसे आप ठगी का शिकार हो गए, जैसे आपके जैसे भी कई भोले भाले नौजवान हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कि मैं ये संदेश दूंगा जी, कोई भी रिश्ता करो, बिचौड़े बिचाड़े कोई चक्कर में ना पड़ो, अपना लड़की अच्छी गरीब घर की लड़की देखो और अपने बढ़िया शादी करो, ये बिचौड़े बिचौड़े का चक्कर बना पड़ो जी। ये सब लुटेरे होते हैं जी, इन्होंने मेरे बड़े में 8 बिचौड़े हैं जी, पूरा गिरोह है ये, इन्होंने सब ने मिलकर मेरे को फंसाया जी।